तुम ये कैसी बातें कर रही हो दुर्गा? कितना छोटा है वो। Are you sure? तुम ये कदम उठाना चाहती हो? हाँ मीना, मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जवाब चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है जो मैं खुद जानती हूँ, जिसे मैंने सीखा है। मीना, तुम मेरी दोस्त हो, इस काम में मेरी मदद करो प्लीज। दोस्त हो तो ना भी नहीं कर सकती। कहाँ है वो? वहाँ कंसल्टिंग रूम में। हाय तिमिर। वाओ, अच्छा जब मारते हो, तुम्हें खेलना अच्छा लगता है। वेरी गुड, तो आज हम एक नई गेम खेलेंगे, ओके? ठीक है, चलो तुम सो जाओ, सो जाओ, और आंखें बंद करके सो जाओ, ठीक है? नाना जी इस तरफ। माहिर, कहाँ हो तुम? अरे अच्छा तो कर रहे थे, इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे चलो आज हम एक सिंपल गेम खेलते हैं। देखो बेटा, यहाँ देखो। चलो तुम ऐसे सो जाओ जैसे तुम लेट रहे। चलो सो जाओ, सो जाओ। वेरी गुड, ऐसे ऐसे इस न्यू गेम। हाँ, न्यू गेम, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर लो। वेरी गुड, अच्छा बच्चा। तिमिर, मुझे बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो इस वक्त? तुम क्या देख रहे हो बताओ मुझे। क्या इसने सचमुच ये सब देखा है? ये तो बड़े डिस्ट्रैक्टिव और डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। दुर्गा, क्या तुम और भी? हाँ मीना, मैं ये सेशन अब बंद नहीं करना चाहती। मैं जानना चाहती हूँ कि तिमिर ये सब कुछ क्यों देख रहा है, तभी तो मैं इसकी कुछ मदद कर पाऊंगी। तिमिर, देखो जो तुम देख रहे हो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो एक बुरे सपने जैसा है। तुम्हें इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। देखो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी हेल्प करेंगी, ये सब तुम भूल जाओ और फिर ये सारे बुरे सपने तुम्हें दिखाई देना बंद हो जाएंगे, है ना? ओके, ठीक है। आपको डॉक्टर ने बुलाया है। माहिर, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, तुम यही बैठना, नो मस्ती, ओके? हाँ तिमिर, हम उन सब बुरी बातों को रोक देंगे जो तुम्हें दिखाई देती है, ओके? देखो अब मैं 5 तक गिनती करूंगी और जब मैं गिनना बंद करूंगी तब तुम वो सारी बुरी बातें, सारे बुरे सपने भूल चुके होंगे, ठीक है? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5। दुर्गा, ये तो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं है। देखो बेटा, तुम जो बुरे सपने देख रहे हो ना, उसे भुलाने के लिए तुम्हारी मम्मा तुम्हारी मदद कर रही है। तुम फिर से सो जाओ। तुम डर गए थे क्या?
दुर्गा, ये हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था। इसका मतलब जो वो देख रहा है वो सपने नहीं थे, सच्चाई थी। लेकिन इतना छोटा बच्चा इतने हॉरिबल इमेजेस देख ही कैसे सकता है? इसने कहाँ देखी होंगी ऐसी बातें? बार बार और कई बार ये एक दूसरे के सामने भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग राहों पर चलते हुए आपस में टकरा भी सकते हैं। परंतु दोनों में इतनी चेतना अवश्य है कि हर व्यक्ति ने अपनी अपनी वृत्ति अनुसार अपना अपना कार्य करना है। अलग अलग वृत्तियों को धारण किए हुए ये दोनों आसपास जाने अनजाने में एक दूसरे के सामने से ऐसे निकल जाएंगे कि जैसे जानते ही ना हो। अपरंपार माया है तेरी मां, अपरंपार माया है। सॉरी, इसका एडमिशन कराने में इतनी देर हो गई। एक्चुअली क्या हुआ कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा ये बैच शुरू हुए अभी 2 ही दिन हुए हैं। मुझे लगता है जल्दी ये बच्चों में घुल मिल जाएगा। आई सर्टनली होप सो। तिमर इतना मन मिलाव नहीं है, वो किसी के साथ इतनी आसानी से दोस्ती भी नहीं करता, और इससे पहले कभी वो मुझसे अपने घर से दूर भी नहीं रहा। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए बच्चों के साथ घुलने मिलने का इससे अच्छा मौका और क्या होगा? उम्मीद तो मैं भी करती हूँ। आओ बेटा। किड्स, आपके क्लास में आपका एक और नया फ्रेंड आया है, ये है तिमिर। और तिमिर वो देखो, वो है आकाश, वो है अंकुर, वो है निहाल, वो है प्रिया और वो है माहिर। मीना, मुझे तो बहुत फिक्र होने लगी है, पता नहीं तिमिर स्कूल में एडजस्ट कर पाएगा भी या नहीं। उसे स्कूल भेजना क्या ठीक था? या ऑफ कोर्स दुर्गा, उसे स्कूल भेजना ही चाहिए, अ गुड आइडिया। अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ वो मिलेगा जुलेगा खेलेगा तो उतनी ही जल्दी वो एडजस्ट हो जाएगा। बात उसके एडजस्ट होने की नहीं है मीना, तुमने खुद देखा है कि उसका दिमाग किस तरह से काम करता है, और तुमने ही कहा था कि उसने जो कुछ भी देखा था वो बुरे सपने नहीं थे, रियलिटी थी। वो जो कुछ भी याद कर रहा था वो देख चुका था। पर दुर्गा, उसने जो देखा है वो जरूरी नहीं है कि उसके साथ हुआ है, कुछ भी हो सकता है। उसने कहीं पर भी देखा होगा या सुना होगा, एंड आई एम श्योर ऐसा ही हुआ है। जब तुमने वो सारी बातें नहीं देखी हैं तो तिमिर कैसे देख सकता है? बस कोई ऐसी ही काल्पनिक बातें हैं जो उसके दिमाग में घर कर बैठी हैं। अगर वो सब बातें काल्पनिक हैं तो तिमिर ने जो सबसे आखिर में बताया
वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुनीति की मौत हुई थी। वो तो तुम्हें भी नहीं देखा था। अब क्या होगा आचार्य जी? सुनीति के मृत्यु के साथ ही हमारे उस बच्चे तक पहुंचने के सारे रास्ते खो गए। क्या हमें बच्चे को ढूंढने का कार्य फिर से शुरू करना होगा? यही तो मैं सोच रहा हूं। परंतु सुनीति की मृत्यु ने एक बात तो साबित कर दी कि यही बच्चा शैतान का रूप है। अन्यथा सुनीति को अपने प्राण न गंवाने पड़ते, और वो भी उस समय जब वो हमें इस बच्चे के बारे में सारी जानकारी देने वाली थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो बच्चे तक पहुंच चुकी थी, जानकारी हासिल कर चुकी थी। तो क्या उचित नहीं होगा कि हम सुनिधि के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ साथ उन लोगों पर भी अपनी पैनी निगाह रखें जिन्हें वो जानती थी? कुछ फोन नंबर्स होंगे, फोटोज होंगे, उसने कुछ लिखा होगा, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो हमें उस बच्चे तक पहुंचा सके। इसके लिए तो हमें सुनिधि के घर के अंदर जाना होगा आचार्य जी। हमें तुरंत उसके घर चलना चाहिए। तिमिल, बेटे तुम भी जाकर खेलो बच्चों के साथ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। तिमिल की मम्मी कह रही थी कि वो बच्चों के साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होता, लेकिन देखो तो सही, माहिर कितना फ्रेंडली है। चार रे जी, वहां तो कुछ नहीं है। इस डायरी में जरूर उस बच्चे के बारे में जानकारी होगी। एक बार फिर उस शैतानी शक्ति ने मुझे बेबस कर दिया। इससे पहले कि यह डायरी मुझ तक पहुंचती, जलकर राख हो गई। अब उस तक पहुंचने का मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आचार्य जी, हमें तो यहां कुछ नहीं मिला। अब हमारा यहां रुकने से कोई फायदा नहीं।
का एडमिशन फॉर्म लिटिल एंजल्स प्ले स्कूल। क्या ये भी उस बच्चे तक पहुंचाने का कोई संकेत है? शायद। सुनिधि का परिवार तो यहां रहता नहीं था, वो अकेली रहती थी, तो फिर ये एडमिशन फॉर्म किस लिए लेती है? ये एडमिशन फॉर्म उसी उम्र के बच्चे के लिए है जिस उम्र का वो बच्चा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडमिशन फॉर्म उसने उसी बच्चे के लिए लिया है, और यदि ऐसा है तो फिर वो बच्चा भी हमें यहां मिल सकता है। किसको ढूंढ रहा है? स्कूल तो छूट गया, सारे बच्चे चले गए। तिमिर, अरे ये तो बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा? तुम्हारे बाकी सब दिनों से भी बहुत अच्छा। हाँ। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हारा स्कूल का पहला दिन इतना अच्छा जाएगा। चलो अच्छी बात है। और बताओ तुमने स्कूल में और क्या किया? वाओ, तुमने एक नया दोस्त बनाया। That's very good, माहिर। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अब तक उस शैतान ने मुझसे अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया है। मगर आज मेरा मन कहता है कि कल का दिन बाकी दिनों से अलग होगा। इस बार मैं अचानक ही उस पर काबू कर लूंगा, और फिर मैं देखता हूं कि वो शैतान अपने आप को मुझसे बचाने के लिए क्या चाल चलता है, क्या खेल खेलता है वो।